Hello students, today we will continue our 8th chapter adverbs. Okay, see what you have to do in this exercise. Read, add ly. Kya add karna hai? Ly and ily to these adjectives and change them into adverbs. Remember to change the spelling where needed. Okay. You have to change these adjectives into adverbs. ये सारे क्या है? Adjectives है. उसको आपको adverb में convert करना है, change करना है. क्या करके? ly और ily add करके. Okay, क्या add करना है? ly और ily. ओके आप जब ly और ily add करोगे तो adjective वैसे क्या होगा? एडवर्ब बन जाएगा. ओके सी हियर न्यू, वन वर्ड इज न्यू. हमें इसके पीछे क्या ऐड करना है? एल वाई. ओके एन ई डब्ल्यू एल वाई, न्यूली. तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब. ओके न्यू, न्यूली. फिर एंग्री, एंग्री. यहाँ पर वाई है तो वाई हमें कट करना है, निकल देना है और उसकी जगह क्या होगा? ए एन जी आर आई एन वाई, एंग्रीली. ओके जहां पर वाई होगा वहां पर हमें वाई निकाल के आई एल वाई एड करना है. बाकी सब में क्या एड करना है? एल वाई. ओके एंग्रीली. तो हमने यहाँ पे आई एल वाई एड किया है और यहाँ पर एल वाई. अंडरस्टैंड? नाउ सी फर्स्ट वन लकी. यहाँ पर लास्ट लेटर कौन सा है? वाई है तो हमें वाई को निकाल देना है और क्या लिखना है? एल यू सी के आई एल वाई लकीली. ओके नाउ डियर, डी ई ए आर डियर. क्या ऐड करेंगे हम लोग? सिर्फ एल वाई ऐड करेंगे. ओके डी ई ए आर एल वाई डियरली. ओके नाउ थर्ड वन ऑनेस्ट. हियर वी विल ऐड एल वाई. ओके एच ओ एन ई एस टी एल वाई ऑनेस्टली. देन पोलाइट, P O L I T E L Y, politely. Heavy. What we will add here? Y को निकाल देंगे और I L Y लिखेंगे. ओके H E A V I L Y, heavily. ओके नाउ एक्टिव, एक्टिव का actively. ओके देन ब्रेव, ब्रेव का क्या होगा? ब्रेवली, बी आर ए वी ई एल वाई ब्रेवली. ओके देन लाउड, लाउड का क्या होगा? लाउडली. ओके एल ओ यू डी एल वाई लाउडली. देन हैप्पी, यहाँ पर वाई है तो वाई को हमें निकालना है और क्या लिखना है? हैप्पीली, एच ए डबल पी आई एल वाई हैप्पीली. ओके देन काम, तो क्या लिखेंगे हम लोग? कामली, सी ए एल एम एल वाई कामली. ओके नाउ अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू. नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी नेक्स्ट एक्सरसाइज. सी एड एल वाई और आई एल वाई टू एडजेक्टिव्स इन द बॉक्स एंड चेंज देम इनटू एडवर्ब्स. आपको यहाँ पर भी एल वाई और आई एल वाई एड करना है और वर्ब बनाना है. उसके बाद क्या करना है? ये ब्लैंक्स है वो फिलअप करनी है. ओके फिल इन द ब्लैंक्स विथ एडवर्ब्स. ये जो बॉक्स में वर्ड्स मिले हैं आपको उसको क्या करना है? एल वाई
और आई एन वाई एड करके एडवर्ब बना के ब्लैंक्स में लिखना है. ओके, नाउ सी फर्स्ट वन. साहिल रीड द न्यूज़पेपर डैश बिफोर लीविंग फॉर स्कूल. व्हाट इज आंसर हियर स्टूडेंट्स? क्विक. ओके, बट हाउ? हमें क्या करना है? एल वाई एड करना है. ओके, सो क्या होगा? क्विकली. साहिल रीड द न्यूज़पेपर क्विकली बिफोर लीविंग फॉर स्कूल. वो स्कूल जाने से पहले जल्दी जल्दी क्विकली क्विकली न्यूज़पेपर रीड करता है. ओके, नाउ सेकेंड वन. इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्राइव. कैसे करना है? ड्राइव केयरफुल. बट हमें यहाँ पर क्या ऐड करना है? एल वाई. ओके, इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्राइव केयरफुली. ओके, नाउ थर्ड वन. गौरव अपोलोजाइज्ड टू हिज फ्रेंड फॉर स्पीकिंग. व्हाट इज आंसर? कि उसने अपोलोजाइज किया फॉर स्पीकिंग रूड. पर क्या ऐड करना है? एल वाई. ओके, सो व्हाट विल आंसर? रूडली. ओके, आर यू डी ई एल वाई, रूडली. अंडरस्टैंड? गौरव अपोलोजाइज टू हिज फ्रेंड फॉर स्पीकिंग रूडली. एल वाई ऐड किया है हमने. ओके, नाउ सी फोर्थ वन. शरद अरेंज द बुक्स ऑन द सेल्फ्स. कैसे अरेंज की शरद ने बुक्स? नीटली. ओके, वी हैव टू ऐड हियर एल वाई. सो व्हाट विल आंसर? नीटली. एन ई ए टी एल वाई, नीटली. ओके, नाउ फिफ्थ वन. मीता वेटेड डैश इन द मीता वेटेड डैश इन द क्वी फॉर हर टर्न. ओके, व्हाट इज आंसर हियर? पेशेंट. वो कैसे वेट कर रही थी? पेशेंटली. वी हैव टू ऐड हियर एल वाई. ओके, मीता वेटेड पेशेंटली. ओके, मीता वेटेड पेशेंटली इन द क्वी फॉर हर टर्न. नाउ सिक्स वन. रोमन कुड फाइंड मैरीज हाउस इजी. हमें यहाँ पर वाई निकल के आई एल वाई एड करना है. ओके, सो ई ए एस आई एल वाई, इजीली. रोमन कुड फाइंड मैरीज हाउस इजीली. ओके, now understand. now this exercises you have to write in your English grammar notebook.